हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम फोटोशॉप में क्या पढ़ेंगे। फोटोशॉप में मैं आपको मूव टूल्स, ये क्या है मार्क्यू टूल्स और ये मैजिक वन टूल्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। लॉसो टूल में मैंने आपको लॉसो टूल में प्लोमियो लॉसो टूल बता दिया था, दोनों को बता दिया था। बचा था क्या था, मैग्नेटिक लॉसो टूल। आज डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि मैग्नेटिक लॉसो टूल्स क्या होता है, ठीक है। आपको इससे पहले प्लोमियो लॉसो टूल को भी डिस्कस करा दूंगा, उसमें एक बार रिवीजन करा दूंगा, फिर से मैग्नेटिक लॉसो टूल को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताया था कि अगर कोई भी आप फोटो में इन दोनों का उपयोग करना है, इन इसमें फ़ोटो को मैं टूल्स को उपयोग करके देखना है कि किसका क्या काम है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। फोटोशॉप में एक लेयर या एक इमेज को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए दो इमेज पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पहले हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, आप बताया था कि या तो आप कंट्रोल प्लस ओ, किसके कंट्रोल साथ ओ प्रेस करके, इसके साथ ओ, देखिए कंट्रोल ओ किया मैं, आ गया ना, ओपन हो गया ना, क्या ओपन हो गया, मेरा ब्राउजर ओपन हो गया डेस्कटॉप का। तो आप ऐसे भी ओपन करके इसका प्रयोग करके और ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप कहाँ चले जाइए, फाइल मेनू में। फाइल मेनू में एक आपको ऑप्शन दिख रहेगा ओपन का, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते आप डेस्कटॉप पे आ जाइए और डेस्कटॉप पे आपको जो लेना है वो ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमें एक फ़ोटो लेना है, एक इमेज लेना है, ये वाला, ठीक है, एक ये लेना है और एक इमेज और लेना है। तो ये फाइल मेनू जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और ये हमको ये इमेज लेना है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं बताया था आपको कि जो लॉसो टूल का होता है, इस इनका काम क्या होता है, कट करना, फोटो को कट करके किसी एक जगह दूसरी जगह मूव कराना। अब हम चाहते हैं कि जो ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये बाहुबली का है क्या, बाहुबली, ठीक है। मैं आपको बताया था कि जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो जो दिख रहा है इसको हमको कट करके क्या इसके बैकग्राउंड को क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि इसके बैकग्राउंड में जो है इसके फोटो को ही कट करके इस बैकग्राउंड पर लगा देना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताया था कि आप यहाँ से लॉसो टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लॉसो टूल में बताया था कि लॉसो टूल बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसका उपयोग वही कर पाते हैं जो माउस को अच्छी तरह से चलाना आते हैं। क्योंकि मैं तब बताया था कि इसको एक बार आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्लिक किए रहना है और छोड़ना नहीं है इसको माउस को, और ऐसे धीरे धीरे ड्रॉ करना है, ठीक है। देख रहे हैं ना, बताया था ऐसे धीरे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करते हुए क्या करना है, चले जाना है और लास्ट में आपको जहाँ तक आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पर लाकर छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। तो देखेंगे अगर इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे सेलेक्ट नहीं होगा और कुछ टाइम भी लगेगा, ये वही कर पाएंगे जिसको अच्छे से माउस चलने लगेगा और ज़्यादा ये टाइम भी लेता है। लेकिन मैं आपके इसके नीचे क्या था, प्लोमियो लॉसो टूल, इसको क्या बताया था कि ये सबसे आसान होता है। आसान क्यों होता था, क्योंकि मैं बताया था कि इसको आप राइट एंगल अपने अकॉर्डिंग एंगल बना बना के क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देख रहे हैं ना, एंगल ऐसे बना बना के आप कट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसे आप एंगल बना बना के अपने अकॉर्डिंग में आपको जल्दी कट कर दिखाता हूँ। देखिए ऐसे धीरे आप एंगल बना के कट कर सकते हैं और लास्ट में आप वही ला के क्लिक कर देंगे जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। देखिए कट हुआ कि नहीं कट हुआ, कट हुआ ना, अब अपने मूव टूल से देखिए हटा रहे, हट रहे ना, जितना हम कट किए, देखिए इसके बैकग्राउंड में अभी इसका बैकग्राउंड अच्छे से कट नहीं किए तो इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आप अच्छे से कट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट इसके कट जाएगा और यहाँ से आप उसको ला कर लगा सकते हैं। तो कोई कह नहीं सकता कि ये फोटो एडिटिंग की गई है, कह नहीं किसी और बैकग्राउंड के यहाँ पर ला कर रखा गया, ठीक है। तो ऐसे ये प्लोमियो लॉसो टूल काम करता है। अब बचा क्या था, मैग्नेटिक लॉसो टूल, ये बचा था ना, मैग्नेटिक लॉसो टूल। मैग्नेटिक लॉसो टूल की चुंबक की तरह काम करता है ये कार्य, मतलब ये है कि ये चुंबक की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि इसका काम ये होता है कि आप इस बार जहाँ पे क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद आपको इसको बार बार क्लिक करने का जरूरत नहीं है या फिर दबा इसको क्लिक किए रहे हैं और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ एक बार जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जो इमेज को कट कर रहे हैं उस इमेज के बस बैक जो
बैकग्राउंड उसका जो साइड साइड है उसके साइड में थोड़े थोड़े उसके बाद साइड में चलते चले जाइए और आपका वो फोटो क्या होगा परफेक्टली ऑटोमेटिक वो चुंबक की तरह सेलेक्ट करता चला जाएगा और लास्ट में जाकर कट हो जाएगा। देखिए कैसे काम करता है। पहले हम फोटो को बताया था कि फोटो को कट करना, तो उससे पहले आपको उसको जूम इन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप उसको अच्छे से कट कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बताया था कि जो सिंबल आ रहा है स्किप क्यूब आप दबाएंगे, जो कीबोर्ड में क्या होता है स्किप होता है उसको आप प्रेस करेंगे स्पेस का, तो इससे ऑप्शन आएगा और माउस की मदद से आप इसको ऊपर नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद देखिए सिर्फ क्या करेंगे इसके साइड साइड में ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक अपना सिंगल क्या ऑटोमेटिक क्या करेगा अपना सिलेक्शन करता जाएगा। और देखिए थोड़ा सा भी अगर कंप्यूटर में या फिर कुछ हैंगिंग में या कंप्यूटर में लैपटॉप में आपका थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो ये थोड़ा क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्रैक हो जा रहा है, बार बार क्या हो रहा है क्रैक हो जा रहा है, क्योंकि ये जो मेरा वर्जन है पुराना वर्जन है, इसको फिर से आप लोग नया इंस्टॉल करके करेंगे तो शायद हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए और अच्छे से करते रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है आपका जो इसमें कर रहे हैं, अगर माउस थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा मतलब ज़्यादा दूर हो गया फिर ज़्यादा अंदर आ गया तो भी ये क्या हो जाएगा क्रैश हो जाएगा। इसलिए इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत बारीकी से सिलेक्ट किया गया है सिलेक्ट किया जाता है। तो मैंने बताया था ना कि लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल ये भी आसान तो होता है लेकिन इसी तरह से होता है, इसलिए इन दोनों बहुत कठिन होते हैं। सबसे आसान क्या होता है प्लोमिया लासो टूल की अपने अकॉर्डिंग आप एंगल बना बना के कट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक लासो टूल देख रहे हैं ना ये भी कठिन है कि नहीं कठिन है, क्योंकि आप एक बार क्लिक कीजिए देखिए अभी क्लिक करने बाद ड्रॉ तो करना है लेकिन थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होगा तो क्रैश को हो जा रहा है। देखिए हो गया ना ऐसे तरफ क्रैश हो जा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग भी आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक सलाह आप यहाँ पर क्लिक किए ना तो क्लिक करके आप ऐसे ड्रॉ कर करके और लास्ट में ला के इसको सेलेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने मैं जल्दी जल्दी करूँ तो जल्दी जल्दी करने के बाद क्या करूँगा अरे इतना करूँगा जल्दी जल्दी आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। देखिए आ गया ना जल्दी जल्दी किया तो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, लेकिन क्या साइज कट हुआ है बहुत बेकार बहुत बकवास कट हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ कट करना था उसको उठा के मूव कीजिए देखिए क्या क्या कट हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो इस तरह से इससे भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ये क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद ये क्या हो जाता है फोटो को आप अच्छी तरह से कट नहीं कर पाता है। तो कट करने के लिए सबसे आसान क्या है प्लोमिया लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल भी उसके आसान है लेकिन ये थोड़ा क्रैश हो जाता है। आप जो नया वर्जन करो डाउनलोड करेंगे उसमें क्रैश ना हो तो आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग क्या करते कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये प्लोमिया लासो टूल और मैग्नेटिक लासो क्या था। अब आज इन तीन ऑप्शन के बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर सब बता तो दिए लेकिन ये तीन ऑप्शन के बारे में नहीं बताएं। भाई मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला हम प्लोमिया लासो टूल लेते हैं और इसी से देखते हैं कि कैसे क्या काम है। देखिए प्लोमिया लासो इस तीनों का काम क्या है मैं इसको बताया था कि आपको ये मार्क्यू टूल पढ़ा रहा था, इस मार्क्यू सिलेक्शन टूल पढ़ा रहा था, इसी में मैं आपको बता रहा था इससे क्या काम होता है। ये एडिशन का काम करता है, ये सबट्रैक्शन का काम करता है, इसमें भी वही वही काम करेगा। देखिए जैसे कि मैं ये कहूँ आप ये कहेंगे सर इसमें एडिशन सबट्रैक्शन कैसे हो सकता है, तो मैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ भाई इसमें एडिशन सबट्रैक्शन इसलिए हो सकता है कि मैं ये कहूँ अगर मैं यहाँ से करते जा रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है सिलेक्ट करते जा रहा हूँ, अब सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ से आपका क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद क्या हुआ यहाँ से सेलेक्ट हो गया, ठीक है क्या हुआ सेलेक्ट हो गया ना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इतना कट ना हो फिर से यहाँ पर हम ऐड कर लें, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे फिर से देखिए एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद आपको पूरा जब कट करेंगे इसको अपने अकॉर्डिंग देखिए अच्छे से कट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अगर अच्छे से कट करने लगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपको बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम यहाँ पर क्लिक कराएंगे, ठीक है तो देखिए यहाँ से जो इसका यहाँ से और यहाँ से जो इसका क्रैश हुआ था वो हट गया कहीं हट गया, यहाँ से ऐड होकर बाहर ही से आ गया ना क्रैश वो हट गया कहीं हट गया। तो ये सबट्रैक्शन का काम होता है कि अगर आप कोई सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्रैश होकर मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट करते जा रहे हैं पता चले क्रैश होकर यहाँ से इधर मतलब यहाँ तक आए तो इधर इसी तरह सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल और देख कर बता देता हूँ। मान लीजिए आप क्या कि आप यहाँ से आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है सेलेक्ट करते जाइए ऐसे सेलेक्ट करते जा रहे हैं और पता क्या चला कि आपका जो कंप्यूटर क्रैश किया गया क्या गया क्रैश का गया और क्रैश करने के बाद क्या हुआ यहाँ से आपको ऐसे सेलेक्ट हो गया। देखिए अभी क्रैश हुआ ना यहाँ से ऐसे सेलेक्ट हो गया, तो जब यहाँ से सेलेक्ट हो गया क्या तो यहाँ पे आप या तो आपको इसको हटा के सिलेक्शन को हटाना पड़ेगा, हेल सेलेक्टर से हटाने के बाद क्या शुरुआत करेंगे तो शुरू करेंगे। आप चाहते हैं कि हम शुरू ना करें हम जहाँ तक सेलेक्ट किए हैं भाई बहुत मेहनत से सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे सेलेक्ट करेंगे अच्छे से तो बहुत मेहनत लगती है सेलेक्ट करने में,
तो आप चाहते हैं भाई इतना मेरा मेहनत बर्बाद हो गया, मैं इसको क्या करूँ, तो भाई वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐड जो लिखा है ना, ऐड वाला क्या है लिखा ना, ऐड टू सिलेक्शन, ये ऐड टू सिलेक्शन को एक्टिव कीजिए और यहाँ से आप फिर से दोबारा इसी से यहीं से एक्ट कर सकते हैं, ऐड करके आप फिर से अपना सिलेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपका क्रैश खा जा रहा है, यहाँ से भी यहाँ पर आकर क्रैश खा गया, तो फिर से यहाँ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ से क्रैश खाया, यहाँ पर आप किए तो अब यहाँ से ये हट गया ना, अब ये वाला गया ना, अब यहाँ फिर से ऐड पर क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। और करने के बाद क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और लास्ट में ला कर जब इसको ऐड करेंगे, देखिए ये हट जाएगा, हट गया कि नहीं हट गया, ये हट गया ना, दोनों जो क्रैश खाया था बीच में हट गया ना। तो इस तरह से आप एडिशन का प्रयोग करके आपने जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें माउस से जो सिलेक्शन क्रैश हो जा रहा है, तो आप इसको इस तरह से ऐड करके आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं, आपका जो वो होगा काम मतलब रुकेगा नहीं और आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सबट्रैक्शन का क्या काम होता है। सबट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कट किया है, और ये देखिए मैंने फ़ोटो कट किया, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके जो ये जो इसका हेयर है, तो हम लोग इसके बाहर में चले गए हैं, लेकिन इसका हेयर हम चाहते हैं कि अब शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन चाहते हैं हम यहीं से क्या कर दें, इसको इस तरह कर दें, तो क्या करेंगे हम सबट्रैक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, और क्लिक के बाद यहाँ से जाइए, देखिए ऐसे ड्रॉ करके और ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके ऐसे कर दीजिए, और फिर से कहाँ चले जाइए, देखिए अभी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से ड्रॉ करके ऐसे जाइए और इसके बाद ऐसे फिर से उसके चले जाइए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर से ऐसे जाइए, ठीक है। अब जाने के बाद क्या कीजिएगा, अब देखिए ये भी बाहरी चला गया है ना, तो क्या करेंगे इसको भी अंदर ले लेते हैं यहीं से, देखिए वहाँ शुरुआत किए थे ना, ये सब पर्सन काम करेंगे भाई, वो बाहरी से जोड़ रहा था ना, देखिएगा अंदर आएगा जोड़ेगा, यानी कि अंदर का हिस्सा कट कर रहा है ना जो छूटा था हमारा, जो देखिए यही कर काम करेगा, जो भाई दिखा रहे हैं ध्यान से देखते रहिएगा, देखिए बाहरी हो गया है, हम चाहते हैं यहाँ से ले लें, तो यहाँ से हम ले लेंगे हर जगह से, क्योंकि ये भी बाहर हो गया हल्का सा, तो यहाँ से हम लेना चाहते हैं, इसको अच्छे सेलेक्ट कर लीजिए। अब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, अभी देखिए ज़्यादा अंदर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम चाहते हैं इसको ऐड से ऑप्शन करें, तो यहाँ से करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करते जाइए और वहीं पर ला कर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से बात किए थे, देखिए वो सारे चीज़ें क्या हो गया, हट गया कि नहीं हट गया, ये जो सारे चीज़ें था वो बाहरी वाला हट गया ना, हटने के बाद क्या हुआ कि जो हम लोग आंतरिक सिलेक्शन किए थे वही वाला किया सिलेक्शन कर किया ना, तो इस तरह से आप ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये सबट्रैक्शन का काम करता है, वो एडिशन का काम करता है, ठीक है। एडिशन सबट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये है, हम चाहते हैं कि इसके यहाँ से बाहरी से कट कर दे, ये बाहरी वाला अंदरी वाला, तो यहाँ से आप कर करके यहाँ से आप करेंगे, जैसे ये देखिए अंदर ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया ना। अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए इतना कट कर दे, ये वाला बाहर चला गया, इतना कट करे, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से यहाँ क्लिक और ला के पीछे ड्रॉ कर लीजिए, देखिए कर लिया कि नहीं कर लिया, सबट्रैक्शन काम कर रहा है ना, कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, मैं चाहता हूँ कि इसको सही से कर लो, तो सर यहाँ पर आप इसके एडिशन पर क्लिक ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन से और फिर से ला कर यहाँ पर क्लिक कीजिए, सॉरी देखिए थोड़ा सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक कर करके क्या करिए ला कर उसी पर सिलेक्ट कीजिए जो वहाँ से इसका सिलेक्शन है, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। इसको माइनस कर लीजिए तभी इसका सिलेक्शन दिखेगा, और यहाँ से कर लीजिए इसका सिलेक्शन हटा लीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए हट गया, और यहाँ से आप क्लिक करके और इसको धीरे से ऐड करके आप वहीं से ला के करा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसका सिलेक्शन दिख नहीं रहा, इसलिए ऐड नहीं कर रहा है, अगर दिखता देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिख रहा था ना, जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पर इसका सिलेक्शन दिख रहा है ना, हम यहाँ पर ला कर दें, देखिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना, देखिए मैं यहाँ से करूँ और ये कट करना है, ये कट करना है, और यहाँ पर हम ला के क्या कर सकते हैं, ये कट करना है, यहाँ पर हम ला क्लिक करते हैं, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इसी तरफ आ गया ना, ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा है, लेकिन ऊपर इसका सिलेक्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको हम सिलेक्शन पर नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, इसलिए क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर देखिए अगर आपको बाहरी करना क्या है, देखिए जैसे कि ये अंदर जाते इससे अंदर ये वाला यहाँ पर वो दिख रहा होगा कि ज़्यादा थोड़ा सा अंदर हो गया, हल्का सा कट कर रहा है, तो उसको बाहर ले जाने के लिए क्या करेंगे, उसलिए आप एडिशन का प्रयोग करेंगे, किसका एडिशन का, और ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए थोड़ा सा अब इसके बाहरी से हमें जो अंदर छोड़ कर चला गया है उसके बाहरी से को आप सही करके और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए हट गया, अंदर से हट गया कि बाहर आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बाहर हो गया, इसको अंदर करना तो क्या करेंगे, सबट्रैक्शन वाला यानी माइनस वाला लेंगे और उसके तीसरा नंबर अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा लेके और इसको क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ से
इसी प्लकेज पे ड्रॉ कर लीजिए। दम लाक उसी पे करेंगे तभी होगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इस फोटो से आपको कट करते समय बहुत बारीकी से कट करना पड़ता है भाई, इसलिए कट होता है, नहीं तो कट नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं किया, यहाँ पे गया और इसका जो सिलेक्शन है उसी पे क्लिक कीजिए, बार बार कट हो नहीं हुआ, यहाँ जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो नहीं पा रहा क्योंकि इसका सिलेक्शन कर रहे हैं। इस तरह से आप इसका सबट्रेशन और क्या सकता है ऐड का काम कर सकते हैं, ठीक है, और आपने आप अच्छे से फोटो को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे समझ में आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ गई होगी आज के वीडियो के। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो टूल्स हैं क्रॉप है ये, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, जय हिंद, और देखते रहिए।